वापस जाते हुए अच्छी प्योर आज जो दिख रहे ड्राइवर और हमारा आगे हमारा दोस्त गाइस हम वापस लेबो की ओर गाइस मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ये है देखिए सिनारियो व्यूज है ना, वो नीचे आप नदी देख रहे हैं, देखिए ये है और ये देखिए कितनी खूबसूरत से रोड बनाया है भारत सरकार ने, देखिए। तो चलिए गाइस देखते रहिए। चलिए देखिए मैंने जैसे बोला था बहुत मैं हाइट पे हूँ, अभी मैं नीचे उतरूँगा, आप देखिए अगर मैं खड़ा करता हूँ तो देखिए ये ऐसा हो जाता है, देखिए कितना हाइट है, बहुत ये है डरावना है। तो मैं अभी चढ़ रहा हूँ नीचे, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा आइए देखिए कितना नीचे में था, देखते रहिए। तो आगे में मैं वही कहूँगा कि इसका रिस्क ना उठाइएगा, लाइफ रुक नहीं आ सकती, बट व्यू से तो मैं वही दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ से नीचे से दिखाऊंगा, देखिए ये अभी आप जो बोलो कीजिए कैमरा मैन हमारे साथ, ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं अभी देखिए उधर पे था, ऊपर में था, अब मैं नीचे उतर चुका हूँ। नीचे से अभी देखिए व्यूज कैसा लग रहा है, अभी मैं आपके कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि पूरा व्यूज को दिखाइए, देखिए ये है जन्नत, देखिए सियांग रिवर बहती हुई पानी जो बह रहा है कितना मस्त लग रहा है, मौसम भी बहुत क्लियर है। चलिए मैं अभी आगे आपको रोड दिखाऊंगा, वो देखिए पार्किंग प्लेस है, यहाँ से आप आ सकते हैं बाइक को रख के देख सकते हैं, और वो देखिए ऊपर से वहाँ से इंक्योंग जाता है। तो देखिए अभी रोड को देखिए, रोड कितना बढ़िया है, मस्त है। तो गाइस मैं अभी लोग शॉपिंग को यही बोलना चाहूँगा, कीप वॉचिंग हेलो फ्रेंड्स, कीप सब्सक्राइब। मैं आपको दिखाता हूँ ये प्लेस जहाँ पे मैं चढ़ा हूँ, देखिए ये एक टूरिस्ट प्लेस है, एक्चुअली प्रसिद्ध इतना तो नहीं है फेमस, लेकिन लोग बहुत कम आते हैं। तो मैं वही बोलूँगा इंक्योंग जाते हुए जो रास्ता है उसके बगल में मिलता है, इसका नाम है सिली, सिली बोलता है। देखिए इस सिली से अभी देखिए पूरा व्यू देख रहा है, देखिए देखो आसमान को जैसा मुझे मानो कि मैं टच कर दे रहा हूँ, छू लिया हूँ जैसा फील हो रहा है। अब देखिए नीचे पे ये पूरा व्यू इसको देखिए, ऐसा जन्नत आपको कहाँ मिलेगा, इसी को बोलता है नेचुरल जन्नत जो नेचर कुदरत ने दिया हुआ है। तो मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि काइंडली आइए विजिट कीजिए ऐसा प्लेसेस में, एक्सपोज कीजिए और टूरिज्म का थोड़ा बढ़ावा दीजिए हमारा अरुणाचल पे। देखिए कितना सुंदर वातावरण है, मेरा पीछे में देखिए, ये देखिए सियांग रिवर है जो ब्रह्मपुत्र में आसाम में लगता है जाके, उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। देखिए इतनी हाइट पर मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा तो मुझे थोड़ा हाइट से थोड़ा फोबिया है, पीछे कुछ नहीं है नारे टकला है खाली है, तो बहुत रिस्की है। तो मैं जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा है मैं वही बोलूँगा कि कहना चाहूँगा ऐसा रिस्क वाला मत उठाइए, क्योंकि लाइफ बहुत जोखिम हो सकता है ना। बट मैं अभी आप लोग को ये व्यूज़ दिखाने के लिए, ये जो सीनरी मैं दिखाने के लिए आप लोग के लिए इतना उठा हूँ। तो व्यूअर्स काइंडली देखिए उनको और विजिट कीजिएगा, कीप वॉचिंग। हमारे दो साथी के साथ अभी हम निकालेंगे यहाँ से, अभी कहाँ जाएगा मेबो, अभी हम मेबो जाएंगे मेबो में फेबो करने के लिए। देखिए इसका हालत देखिए, दिखाइए चोर से वर्कर लग रहा है और तो देखिए अभी भी होलेला बोलने रहा हो, लेकिन बहुत शरारत है। चलो गाइस देखते रहिए, अभी हम मेबो की जगह चलते हैं, आपको मेबो का दृश्य दिखाएंगे। राइडर्स का आँख में कुछ कीड़ा घुस गया है,
देखिए बहुत दर्द हो रहा है उनको, इसलिए मैं कहता था कि एक ग्लास पेन लीजिए, हेलमेट जब लगाते हैं तो हेलमेट में वो ग्लास जो होता है वो नहीं तो लुकिंग ग्लास एक लगा लेना चाहिए चश्मा पहन के, क्योंकि ड्राइविंग करते समय कीड़ा मकोड़ा आँख में घुस जाता है, तो शायद अभी सुधर जाएगा होगा ये। ठीक है बने रहिए, डिलीट कीजिए। नहीं नहीं तेल खत्म होने का कारण पेट्रोल पंप से तेल ले रहा है अभी। वो देखिए वो दो बंदा मुर्गी और मुर्गा जैसा चुपचाप बैठा हुआ है, हाथ हिला रहा है एक, और ये अभी देखिए तेल खत्म हो गया वो स्कूटी में, दूसरा और स्कूटी है वहाँ लेके जाना है, तो अभी तेल डाला है। हम आपको और भी जगह आज दिखाएंगे। चलिए बहुत दुख का साथ कहना पड़ रहा है, तेल ख़त्म होने के कारण मैं वो नहीं जा पाया, वापस हम लोग वापस जा रहा है फसीघर। चलिए अभी क्या बोलेंगे, चलिए भाई हम आपको फसीघर के दिखाएंगे पूरा, तो चलिए वापस हम पेट्रोल खत्म हो गया इसी कारण हमको रिटर्न जाना पड़ रहा है, तो आज हम मेपुर नहीं जा पा रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग वापस रिटर्न जा रहे हैं। गाइस ये देखते रहिए।